9GA का जो है उद्घाटन फ्लैग ऑफ होते होने जा रहा है 22 को, और 222 CNG स्टेशन जो है विद इन 8 ईयर्स जो है इक्विप्ड होंगी, ऑपरेशनल होंगी। 7.85 जो है लैक्स PNG कनेक्शंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे विद इन 8 ईयर्स, विद इन 8 ईयर्स। कंपनी डिपेंड करेगा, एक्सक्लूसिव ऐसे नहीं बोल सकते भाई। आपको टारगेट दिया है कि आपको इतना करना है, जैसे मैंने प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का बोला कि 58,000 आपको पाइप करना है, तो उसको देखना है मैं कैसे करूंगा, क्लस्टर में करता हूं तो बेटर होगा, तो वो उस पर इंडिविजुअल कंपनी पे डिपेंड करेगा, तो वो उसमें कमेंट करना हमारा बड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफेंस में ऑलरेडी हमने कैंट एरिया में कई घरों को कनेक्ट कर दिया है, रेलवे के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है, दे हैव आल्सो अप्रोच, वहाँ भी कनेक्शन चल रहा है रेलवे में, चारबाग में और उसमें आलमबाग में। सो लाइक दैट आगरा में भी कैंट में जो है रेलवे में लगभग कितने घर आपको मिल रहे हैं? काफी टोटल काफ़ी घर मिल रहे हैं हमको, हाँ। लेकिन अपने सरकारी क्वार्टर्स हैं उनको जो है आदेश मिले हुए हैं, कंपनियों को भी आदेश दिए गए हैं कि सबसे ज़्यादा वो जो है अप्रोच करें उनको पहले कनेक्ट करें। झांसी तो ऑलरेडी है, झांसी ऑलरेडी है, तो वो कॉरिडोर को कवर करेंगे, उससे लगता है कि ये सब चीजें और स्पीड अप होंगी, क्योंकि ये पूरा पूरा कॉरिडोर आपको मिलेगा जिसमें सीधे सीधे लाइन जा सकती है अगल बगल, क्योंकि उसमें वो भी एक प्लेइंग पूरा फील्ड तैयार है आपके लिए, तो उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो डिपेंड, अभी आप अगर देखें बिकॉज हमारे को एक और चैलेंज आ रहा है, जैसे UPSRTC वो दिल्ली में जैसे बसेज इनकी जाती हैं, तो उधर आपको CNG चाहिए, तो वो CNG को अवेलेबिलिटी कराना, बिकॉज मिडवे अभी तक उधर तो कुछ भी नहीं है ना, तो दैट इज़ कंसर्न विच इज़, मतलब कहीं कहीं हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस टाइप का, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना हर किसी को, और PNGRB सब चीज़ को ओवरऑल देख रही है कि कहाँ कहाँ जोग्राफिकल एरिया ऐसे ही करके आइडेंटिफाई होते हैं ना। अब आप जैसे बोल रहे हैं नया एक्सप्रेसवे आएगा, तो हो सकता है उधर पाइपलाइन किसी को ले करके दिया जाए, अभी जैसे आगरा और लखनऊ इनका है, बट बीच की डिस्ट्रिक्ट्स और किसी को दी है, तो इस टाइप के चैलेंजेस आएंगे, धीरे धीरे वो एड्रेस किया जाएगा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी।